LDR कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको एक 8550 PNP ट्रांजिस्टर, जिसके फर्स्ट पिन होगा एमिटर, सेकंड पिन होगा बेस और थर्ड पिन होगा कलेक्टर। उसके साथ चाहिए एक 8050 NPN ट्रांजिस्टर, इसका भी फर्स्ट पिन होगा एमिटर, सेकंड पिन बेस, थर्ड पिन कलेक्टर। NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ PNP ट्रांजिस्टर के बेस पिन को सोल्डर कर लेंगे। एक 5mm LDR लेंगे, 5mm LDR को NPN ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन और बेस पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। के बाद चाहिए हमको एक 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम NPN ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ सोल्डर करेंगे और PNP ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। ये 1 ohms हाफ वाट का रेजिस्टेंस PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे और एक कॉपर वायर लेंगे, NPN ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। हम यहाँ पर एक 4 वोल्ट 8 वाट का LED यूज कर रहे हैं, जो LED का पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव के साथ सोल्डर कर देंगे। छोटा सा सर्किट बन के तैयार हो गया है, अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छोटा सा सर्किट बना है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और नहीं तो वीडियो के अंत में बने रहिए, इसका सर्किट का पूरा डायग्राम आपको मिल जाएगा। पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पर माइक्रो USB कनेक्टर यूज कर रहे हैं। माइक्रो USB का कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल को PNP ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। पावर के लिए हम यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर यूज कर रहे हैं। आप इस सर्किट में 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, इजीली वर्क करेगा। यही सेम सर्किट हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर सर्किट डायग्राम समझने में कोई भी दिक्कत हुआ है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में 3D में हम कोशिश किया है बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई सवाल रहेगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।